जहां एमयू के छात्र एक तरफ कैप का विरोध कर रहे हैं, वहीं मुंबई के ठाकुर कॉलेज के छात्रों ने कैप के समर्थन में मार्च निकाला। आखिर ये मार्च क्या है, जानते हैं छात्र। ऋषभ जी, आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आखिर क्यों? धरना प्रदर्शन जो था वो जो अभी बिल आया है CAB उसके समर्थन में था, जो लोकसभा और राज्यसभा में अभी रिसेंटली पास हुआ है, तो उसके समर्थन में हम क्यों थे? क्योंकि जो विभाजन के पहले जो परिस्थितियां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ की थी, वो अभी कुछ इस तरह नहीं है बयां करने लायक। 2% पे हम आ गए हैं, हिंदू सिख ईसाई जो माइनॉरिटी है वहाँ पर, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात की जाए, और वो यहाँ पर 30 सालों से यहाँ पर रहते थे। 30 सालों से वो दिल्ली रेफ्यूजी कैंप में और पंजाब रेफ्यूजी कैंप में सिख ईसाई ये सब यहाँ पर रहते थे भारी तादाद में, लेकिन उनको नागरिकता या फिर कुछ उनको काम दर्जा नहीं मिलता था, तो इसीलिए उनको समर्थन के लिए ये बिल पास किया गया है, उनको नागरिकता दी जाएगी भारत की। यूथ होने के बाद आज जिस तरीके से आप लोग ने प्रदर्शन किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, जैसा AMU और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पेल्ट कर रहे हैं स्टोन दिल्ली के कॉप्स के ऊपर और बसेस जला रहे हैं, वैसा प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होता है, जैसा हम लोगों ने किया है ठाकुर कॉलेज के बाहर, वैसा प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो भी शांतिपूर्ण के तरीके से, और उनको बरगलाया जा रहा है, जो भी लोग हैं वहाँ पर के उनको बरगलाया जा रहा है। ऊपर से ज़्यादातर ये बाहर के जो लोग हैं उन्होंने किया है, वामपंथी विचारधारा इसमें शामिल है। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यूथ के लिए मैं मैसेज देना हूँ, किसी भी अफवाह में ना पड़े, ध्यान से सोच के बिल के ऊपर चर्चा करें, अगर हो सके तो RTI करें किसी पुलिस स्टेशन में जाके, और उसके ऊपर चर्चा करें, तब जाके आपको सही मतलब पता चलेगा, अफवाह में मत जाए। ऋषभ जी, आखिरी सवाल, CAB का विरोध आखिर क्यों? CUB का विरोध जो कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आम नागरिक जो भारत की मूल जो है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिल से, ये समझना चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी, जो यहाँ पर के लोग हैं मुसलमानों को ये भड़काया जा रहा है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, मोदी और शाह के विरुद्ध जो है वो गलत गलत विचारें उनके दिमाग में डाल दी जा रही है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको देश में रहने का ये नहीं है और हिंदू राष्ट्र बना के रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें मुसलमान भाई। हम सब यहाँ पर मिलजुल के रहेंगे, जो भी यहाँ पर आज़ादी के पहले या फिर आज़ादी के बाद यहाँ से आया है 1970 के बाद से, वो सब यहाँ पर रहेंगे, बाकी जो है उनको बाहर किया जाएगा CAB के थ्रू। ऋषभ, अगला स्टेप क्या होगा आप सभी छात्राओं का? अगला स्टेप ये रहेगा, अगर इसके ऊपर और कुछ ज़्यादा होता है JMU और ये सब के थ्रू, तो हम लोग इसको मुंबई यूनिवर्सिटी जो कालीना सांताक्रूज में है वहाँ पर भी जाके हम इसका समर्थन करेंगे और आगे भी बहुत सारे लोगों को जागरूक कराएंगे इसके मुद्दे पे। ओके, थैंक यू।